मेरी तकदीर मुझे कहां ले आई कि अपने किए की सजा मैं आप मांगने चली आई। ये बयान जो मैंने दिया है ये बिल्कुल सच पे मबनी है और ये बयान मैंने किसी के दबाव में आकर नहीं दिया। क्या आपने अपनी एक बेटी को अगवा करवाया और दूसरी बेटी को जहर देना चाहती थी और तीसरी बेटी को भी अगवा करवाना चाहती थी? बिल्कुल सच। मुजरिम तो मैं अपनी चौथी बेटी की भी हूं, वो तीन माँ की थी, उसे जमाने के रहमो करम पे छोड़ के खुद चली गई सिर्फ अपनी खुशी की तलाश में। मुझे तो यकीन नहीं आता कि एक माँ इस कदर सफाक व खुदगर्ज हो सकती है। मेरी सफाकी और मेरी खुदगर्जी का तो आपने यकीन कर लिया। काश ये भी पूछा होता कि मैंने ये सब क्यों किया। मेरा दिल तो चाहता है कि आपकी रिपोर्ट लिखने के साथ मैं आपकी सफाई भी आपसे मांगूं, मगर मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं। मैंने आपके जरायम की फाइल पढ़ ली है, मगर फिर भी मैं आपकी जबानी सुनना चाहता हूं कि आखिर एक माँ इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई। मां बनने से पहले मैं बेटी थी, बहन थी, छोटी छोटी ख्वाहिशें थी मेरी, तमन्नाएं, महरूमियां। बेटी होने की सजा काटते काटते मेरी तमन्नाएं, मेरे शौक लालच का रूप धारते चले गए और इस तल तल में घसती चली। लेकिन मैंने कभी अपने भाई या अपनी माँ की इज्जत को दौलत के पीछे अंति बहरी होकर मैं भागती चली गई, इस तरह भागी के मुंह के बल गिरी, होश ही नहीं रहा। जब होश आया तो मैं खुद को कानून के हवाले करने आई हूं अपनी सजा की तलाश। आइए। यहां दस्तखत कर दो। आप बाहर से लेडी कांस्टेबल्स को बुलाइए। आप इन्हें हवालात में ले जाएं। चलो बीबी, चलो उठो।